अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सिमी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ग्लो विद सिमी। सो फ्रेंड्स, आज की प्रोडक्ट्स देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम कोई होम रेमेडी बनाने वाले हैं। सो लेट्स गो टू स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी प्रोडक्ट बनने वाली है, सो फ्रेंड उसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं वो है बेसन, ग्राम फ्लोर, बेकिंग सोडा, लेमन, और इसको थोड़ी अच्छी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी देने के लिए वो हमारे पास रोज़ वाटर है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, हमने ये अपनी प्रोडक्ट रेडी करने के लिए चीज़ें रेडी कर ली हैं। होम रेमेडी बनाने के लिए हमने अपनी चीज़ें रेडी कर ली हैं। सो ये ग्राम फ्लोर है, इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब मैं आपको उसकी क्वांटिटी बता देती हूँ कितनी है। ये एक फेस के लिए है। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून लिया है, इससे थोड़ा सा बड़ा भर के फुल एक 1 टेबल स्पून हमने लिया है बेसन, और उसके अंदर ये वाला जो छोटा सा छोटू मोटू सा जो एक स्पून है ये हमने लिया है, इसका हाफ स्पून जो है वो हमने लिया है बेकिंग सोडा। और अब मैं आपके सामने इसके अंदर लेमन डालने लगी हूँ और एक मैजिक सा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर डाल दिया है हाफ अ लेमन। अब हाफ लेमन डालने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ, आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा हो। ये देखिए इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जब हम डालते हैं इसके अंदर तो बेकिंग सोडा डालने के बाद उसमें बबल आना शुरू हो जाते हैं जब हम इसके ऊपर लेमन डालते हैं। यू नो कि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक थिक सा पेस्ट हमारे यहाँ तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हमने इसको थोड़ा सा लिक्विड बनाना है, लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद। सो इसके एप्लीकेशन करके मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैं अपने हैंड पे इसको अप्लाई करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट शोइंग माई फेस। ये देखिए, ये मैं इसके ऊपर इसको अप्लाई कर रही हूँ, और ये हम इसको एज अ स्क्रबर, एज अ एक्सफोलिएटर इसको अप्लाई करने लगे हैं, या आप इसको एज अ क्लिंजर भी कह सकते हैं। इसको आप ऐसे मसाज कीजिए, इसको जस्ट 1 or 2 मिनट्स, आई थिंक 1 or 2 मिनट्स बहुत हैं इसके लिए। 1 मिनट ही बहुत है, 60 सेकेंड बहुत हैं। इसको 60 सेकेंड आप अपने फेस पे इस तरह मसाज करिएगा सर्कुलर मोशन में अपवर्ड, और इसको मसाज करने के बाद ये जनाब आपका हो गया क्लिंजर। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा क्लिंजर हो गया। अब हमने इसको एज अ एक्सफोलिएटर कैसे करना है, क्योंकि जब आप ग्राम फ्लोर लेंगे, ये कोई अच्छी क्वालिटी का ग्राम फ्लोर आप लीजिएगा, जब आप बेसन लेते हैं कोई अच्छी क्वालिटी का, तो अच्छी क्वालिटी लेने की वजह से उसमें थोड़ा सा ना दाना ज़रा बड़ा बड़ा होता है, तो जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो आप उसको ट्राई करिएगा, वो थोड़ा सा स्क्रब की तरह हमारे फेस पे है ना महसूस होगा, फिंगर्स पे महसूस होगा हमारी टिप्स पे कि वो स्क्रब की तरह है। अच्छा, अब हमने ये अप्लाई कर लिया, अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और मैं आपको इसको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अब ड्राई होना शुरू हो गया, और ये कहीं कहीं से ड्राई हो गया और कहीं कहीं से अभी थोड़ा सा गीला है ये। अच्छा, ये इसको अब हमने इस तरह मसाज करके हल्का सा, और उसके बाद इसको जस्ट आपने सिंपल वॉर्म वाटर से वॉश कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हम इसको वॉश करके आ गए हैं। अब ये हमारा क्लिंजर और एक्सफोलिएटर, हमारी स्किन को इसने एक्सफोलिएट कर दिया। ये देखिए मेरा ये हैंड देखिए, और ये वाला हैंड देखिए, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया। अब हम इसको एज अ मास्क अप्लाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ज़्यादा ठीक हो चुका है, कितना ज़्यादा इसमें बबल आ चुके हैं। ये जस्ट लाइक आप जो ब्लीच यूज़ करते हैं, जब आप उसको ब्लीच को बनाते हैं उसके पाउडर उसमें यूज़ करते हैं, तो वो एक इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाता है, इस तरह के लुक में आ जाता है कि थोड़े बबल बबल आ जाते हैं, तो ये ब्लीच वाला ही आपको इफ़ेक्ट देगा। अब मैं आपको इसको दोबारा अप्लाई करके दिखाती हूँ एज अ मास्क, उसको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ, फिर आप देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले जो हमने अप्लाई किया था, हमने उसको थोड़ी सी थिन लेयर में अप्लाई किया था, अब हम इसको थोड़ी सी थिक लेयर में अप्लाई करेंगे उसको इस तरह करके। आपको पता है बेकिंग सोडे के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है, बेकिंग सोडा जो होता है उसके बेनिफिट्स हैं कि वो आपकी स्किन को
ब्राइट करता है, आपका पीएच लेवल बढ़ाता है, आपकी स्किन पे अच्छा इफेक्ट देता है। इवन के मैंने जो अपना तजर्बा किया है उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि स्किन टाइटन अप भी करता है। ठीक है, अभी हमने इसकी थोड़ी थिक सी लेयर अपने फेस पे इस तरह अप्लाई कर देनी है। जब हम थिक सी लेयर अप्लाई कर देंगे उसको आप इतनी देर छोड़िएगा कि जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ड्राई मीन्स कि इतना ड्राई ना हो कि बिल्कुल सख्त हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए। इसको सिर्फ इतना ट्राई कीजिएगा, इतना ड्राई कीजिएगा कि ये इतना हो जाए कि वो कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा सा गीला हो। अब जब ये थोड़ा सा रह जाएगा ड्राई होने के बाद, फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ अपनी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको सॉरी बताना भूल गई, जब मैंने इसको मास्क बना के लगाने के लिए अप्लाई किया था तो स्टार्टिंग में तो हमने जस्ट इसके अंदर बेकिंग सोडा, बेसन, बेकिंग सोडा और लेमन डाला था, लेकिन जब मैंने इसको मास्क के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए मैंने इसमें हाफ टी स्पून हनी भी इस्तेमाल किया है। हनी मैंने इसके अंदर डाला है। हनी आपकी स्किन को अच्छा सा ग्लो देता है, थोड़ा सा सॉफ्ट सा टेक्स्चर आपकी स्किन का हो जाता है, बड़ा अच्छी सी सॉफ्ट सी स्किन आपकी हो जाती है। तो ये मैंने इसमें हनी भी डाला था। अब मैं आपको उसको उतार के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको इतना ड्राई करना है कि ये कहीं से ज़्यादा हल्का सा ड्राई हुआ हुआ हो, कहीं से ज़्यादा हुआ हुआ हो और कहीं इसमें थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला हो। अब हम इसको हल्का 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 मसाज करके, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये किस तरह उतार रहा है। ये देखिए, हमने इसको इसी तरह ही उतारना है लेकिन सर्कुलर मोशन में हमारे फेस पे और अपवर्ड साइड। ठीक है, डाउनवर्ड साइड नहीं उतारिएगा आप, फेस पे नीचे की तरफ से लेके ऊपर की तरफ लेके जाइएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह इसको करके आपने इसको उतारना है। ये देखिए, ये कितना अच्छा सा उतर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको उतारने के बाद आपको अपना हैंड दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसको छोटे छोटे से सर्कुलर मोशन में उतारिएगा। ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे से सर्कल बनाइएगा अपनी फेस पे, बिल्कुल छोटे छोटे से, छोटे छोटे से चुन्नू मुन्नू से, टाइनी टाइनी से, इतने इतने से सर्कल बनाइएगा और फिर इसको उतारिएगा अपने फेस पे। जब आप उसको उतारेंगे तो अपनी टू फिंगर्स और थ्री फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको उतारने के बाद आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली, इस हाथ को देखिए और इस हाथ को देखिए, हमने इसके ऊपर से मास्क उतार दिया। ये देखिए, इसकी स्किन कितनी अच्छी ग्लोई ग्लोई सी हो गई है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ी सी ड्राई ड्राई सी लग रही है स्किन हमारी, और ये हमारी थोड़ी स्किन ग्लोई ग्लोई सी लग रही है। तो जनाब, अब आ जाती है हमारी इसको मॉइस्चर करने की बारी। जब हम कोई एक्सफोलिएट यूज़ कर लेते हैं और जब हम कोई मसाज कर लेते हैं अपनी स्किन के ऊपर, समटाइम ऐसा होता है कि हमारी स्किन बाद में थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो नाइट में आप मस्ट अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। मॉइस्चराइज़र मैं आपको अभी बनाना सिखा देती हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया था। सो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम अपने मॉइस्चराइज़र और ग्लोइंग सीरम या ग्लोइंग क्रीम बनाने की तरफ। उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स चाहिए जनाब, एलोवेरा जेल, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। एलोवेरा जेल के बारे में आप सब जानते ही हैं, तो मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं कहूँगी। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारी रेमेडीज़ के लिए, DIY के लिए। सेकेंड वन है इसके साथ हमारे पास आलमंड ऑयल। ये ऑरेंज ऑयल है जो मैंने पंसार से लिया है और प्योर ऑयल है, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। ये इसके साथ है लेवेंडर ऑयल। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ये जो तीन ऑयल्स इसलिए ऑप्शनल रखे हैं कि जो आपकी स्किन को सूट करता है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको विटामिन सी सीरम के तौर पे बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑरेंज ऑयल, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको ग्लोइंग स्किन के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ लेवेंडर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, और आलमंड ऑयल तो कंपलसरी है ही, वो इसके साथ भी इस्तेमाल होगा और इसके साथ भी इस्तेमाल होगा। तो मैं इसको ऑरेंज के साथ बनाने लगी हूँ क्योंकि हमने इसको नाइट में अप्लाई करना है, और ऑरेंज हम इसके अंदर मिक्स करके इसको नाइट में बनाने के लिए अप्लाई करेंगे, और ये विटामिन सी का ही काम करेगा। अच्छा, विटामिन सी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ, जब आप विटामिन सी अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर रात में तो मॉर्निंग में डेफिनेटली आपको यूज़ करना पड़ेगा सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन आप यूज़ करते हैं तभी आपका विटामिन सी जो है आपको इफ़ेक्ट देता है। क्योंकि रात में आप विटामिन सी यूज़ करते हैं, मॉर्निंग में आप सनस्क्रीन नहीं लगाते तो जो सनबर्न वो नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है विटामिन सी लगाने के बाद। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और अपनी रेमेडी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डाल दिया। ठीक है,
अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। सो ये आ जाता है जनाब आलमंड ऑयल। तो अब हम इसमें आलमंड ऑयल डालने लगे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तकरीबन 4 to 5 ड्रॉप्स के करीब आलमंड ऑयल है। ये हमने इसमें आलमंड ऑयल डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज ऑयल। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल हम आलमंड ऑयल की नस्बत थोड़ा कम क्वांटिटी में डालेंगे, क्योंकि ऑरेंज ऑयल एक तो ये हमारे पास 100% प्योर है, सेकंड ये कि ऑरेंज ऑयल जो है ये एसेंशियल ऑयल है, और एसेंशियल ऑयल को आपको पता ही होगा कि उसको डाइल्यूट करना पड़ता है दूसरे किसी ऑयल के अंदर, आप इसको स्किन के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको आपको मिक्स करके दिखा दूँ। ये देखिए फ्रेंड, अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप जो एलोवेरा जेल लेंगे वो कलर्ड वाला नहीं लीजिएगा। मेरा जो कलर के बगैर था वो ख़त्म हो गया, तो ये कलर्ड वाला था, तो यही अवेलेबल था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी से मैं आपको बना के दिखा दूँ कि जो कलर जिसमें नहीं होता वो बहुत अच्छा होता है, उसका रिज़ल्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपको इसको मिक्स करने के बाद दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया, अच्छा सा इसकी मिक्सिंग कर ली है, मिक्स इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। ये देखिए, और ये इस फॉर्म में आ गया है, ये अभी भी जेल फॉर्म में ही। अब आपको ऑप्शन है आपके पास ये दोनों चीज़ें कि आप इसको जेल फॉर्म में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो जेल फॉर्म में अप्लाई कीजिए, अगर आप चाहते हैं इसकी बहुत थिन सी लेयर अपने फेस पे अप्लाई करना तो आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा फिंगर से लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना सा, और मैं अपने हैंड पर लगाती हूँ इसको, और फिर मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अप्लाई करने लगी अपनी स्किन पर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और ये पूरा मेरी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है, ये बिल्कुल जज्ब हो गया स्किन के अंदर। ये देखिए, अब ये वाला हैंड मेरा देखिए और ये वाला हैंड मेरा देखिए, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा ग्लोई ग्लोई सा इफेक्ट आ रहा है इस हैंड के ऊपर, कितना अच्छा शाइनी शाइनी सा और इतना अच्छा ग्लोई सा। आप इसको ओवरनाइट के लिए लगा कर छोड़ सकते हैं। ओवरनाइट लगाने के बाद मॉर्निंग में आप अच्छे से माइल्ड से फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए। मैं जो फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है। और भी बहुत सारे फेस वॉश हैं जो मैं टाइम टू टाइम बीच में अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन ये बहुत बेस्ट है रेमेडी को यूज़ करने के बाद। तो आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट डबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये रेमेडी मेरी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लेके आती रहूँगी। प्लीज़ लाइक माय चैनल। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।